गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करंट अफेयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एक ऐसा सीरीज है जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको ये करंट अफेयर्स का जो सीरीज है उसमें फ़ायदा करेगा। जितने सारे आने वाले एग्ज़ाम्स है अभी और जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी में ये आपको बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, इसको ज़रूर देखिए। और दूसरा चीज़ है कि चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और भी इसमें बहुत सारा जो एजुकेशनल वीडियो है इस पे हम लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पहला जो है आज का करंट अफेयर्स है उस पे चलते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर्स है, अरुणाचल के तीसरे हवाई अड्डे का जो नाम है वो डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अब देखिए, ये ईटानगर में निर्माणाधीन है, अभी जो है बन रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है वहाँ पे जो है बन रहा है। और देखिए, डोनी पोलो जो नाम है ये प्रशासन द्वारा दिया गया है, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया है। और दूसरा चीज़ है कि सूर्य को जो है डोनी कहा जाता है और चंद्रमा को पोलो कहा जाता है, इसलिए वहाँ डोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा के नाम पे दिया गया है। वो स्वदेशी सम्मान है, स्वदेशी नाम है डोनी और पोलो। उत्तर भारत का 16वां पूरी तरह से परिचालित हवाई अड्डा होगा, ये उत्तर भारत का 16वां हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से परिचालित होगा। चलते हैं आगे, देखिए, बैंकॉक में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया है। बैंकॉक में भारत और थाईलैंड की संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक 17 अगस्त 2022 को बैंकॉक में आयोजित की गई थी। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर प्रमोद विनई और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। देखिए, इसका जो अध्यक्षता है, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों के मंत्री डॉन प्रमोद विनई के द्वारा जो है किया गया है, और इसकी सह अध्यक्षता जो है आपको एस जयशंकर द्वारा किया गया है। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जो भारत और बैंकॉक के बीच में जो राजनयिक जो संबंध बना था उसका ये 75वां साल है, लगभग 75 साल मना रहे हैं, यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ था उस समय से हम लोग जो हैं दोनों देश एक दूसरे के राजनयिक संबंध में हैं। आगे है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा, नाम आप लोग पढ़े होंगे इतिहास के किताब में, स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि 17 अगस्त को जो है आपको मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि थी। हाँ, ये जो हैं वे श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीरी सावरकर से प्रभावित थे। वीरी सावरकर उनसे क्या थे, ये प्रभावित थे। 1 जुलाई 2009 को ढींगरा ने एक सार्वजनिक सभा में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी करजन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सार्वजनिक सभा में एक जो है उसमें इन्होंने जो है गोली मार करके ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को करजन वायली को गोली मारी थी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया और मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अगस्त 1909 को पेंटन विलेज जेल में फांसी की सज़ा दी गई। तो 17 अगस्त को किसका आपको पुण्यतिथि था, तो मदन लाल ढींगरा का। आगे है, शोधकर्ताओं ने विकसित किया 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया का डेवलप्ड किया है। तो हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम कॉर्निया 3D प्रिंटिंग निकालकर उसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है।
इसको विकसित करने के लिए एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, LVPEI हैदराबाद, IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने साझेदारी की है। इसको मानव दाता कॉर्नियल उत्तक से बनाया गया और जिसे आम तौर पर फेंक दिया जाता है। चलिए आगे है, कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने का जो है घोषणा किया है, यानी कि कर्नाटक सरकार खिलाड़ियों को, जो भी खिलाड़ी होगा उसको 2% का रिजर्वेशन देगी। ये आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई की घोषणा के अनुसार सरकार ने खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगी। वर्तमान में राज्य मौजूदा कोटे की तर्ज पर पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे जो है 2% खिलाड़ियों को आरक्षण देगी कौन सी सरकार, तो कर्नाटक सरकार। उन्होंने अमृत कीरा दत्तू योजना के तहत चुने गए 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अमृत कीरा दत्तू योजना किस राज्य का योजना है, तो ये योजना जो है आपको कर्नाटका सरकार का है, किसके लिए है, तो खिलाड़ियों के लिए है। इस तरह से आपको जो है याद रखना है। आगे है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दुर्गा दास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए राजनाथ सिंह जो है दुर्गा दास राठौर जो है उनका जो है प्रतिमा, उनकी मूर्ति का अनावरण किया है राजनाथ सिंह जी ने। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अगस्त में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए जो दुर्गादास राठौर जी हैं वे मारवाड़ के, यानी कि राजस्थान के मारवाड़ के जो हैं वीर योद्धा थे, उन्हीं के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। राठौर की 350वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह मारवाड़ साम्राज्य के राठौर राजपूत सेनापति थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद मारवाड़ राठौर के वंश के शासन को अकेले ही संभाला था। 17वीं शताब्दी के हैं। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो जोधपुर में किया गया। किन्होंने किया, तो राजनाथ सिंह ने किया जो रक्षा मंत्री है। ये आपको दो चीज़ याद रखना है। मास्टर कार्ड, देखिए मास्टर कार्ड ने 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। मास्टर कार्ड जो है उसने 4 खिलाड़ियों को, बैडमिंटन के 4 खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किताम्बी श्रीकांत, उसके बाद में है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल होंगे। इसमें सीधा एक बार में जो है ये याद रखना है कि मास्टर कार्ड ने 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। मास्टर कार्ड ने कितने खिलाड़ियों को, तो 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। अच्छा, ये जो थॉमस कप जो है आपको जीता था सब भारत, और उसके बाद में बर्मिंगम 2022 राष्ट्रमंडल जो अभी खेल हुआ है उनके भी जो है ये लोग विजेता हैं। यह साझेदारी भारतीय रिजर्व बैंक और डिजिटल इंडिया के प्रयासों के अनुरूप हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन।
इन्होंने शुरू किया है मेक इंडिया नंबर वन मिशन, यानी कि भारत को नंबर वन बनाने का जो है मिशन जो है स्टार्ट किया है, शुरू किया है। इस पहल के तहत हम लोग इस पहल के तहत वे क्या करेंगे, देखिए आगे बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने 17 अगस्त 2022 को मेक इंडिया नंबर वन मिशन की घोषणा की। इसे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया। ये दिल्ली के कहाँ पे लॉन्च किया गया, दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है, वहाँ पे लॉन्च किया गया। यह स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह लोगों को पहल में शामिल होने और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हैं तो मिशन के हिस्से के रूप में देश भर की यात्रा करेंगे। देखिए ये जो मिशन है मेक इंडिया नंबर वन मिशन, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में जो है पूछेगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इस ये एक प्रकार का ऐसा मिशन है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम करके पूरे देश में भ्रमण करेंगे, यानी कि पूरे देश भ्रमण पर रहेंगे और उसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि रोजगार पे ध्यान केंद्रित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इस पहल में लोगों को शामिल होने और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसी के लिए जो है ये मिशन स्टार्ट किया गया है, ये आप लोग याद कीजिएगा, मतलब इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे है, SBI ने बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ दायर की दिवाला कर्जवाही याचिका। SBI ने बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ दायर की दिवाला कर्जवाही याचिका। SBI ने पिछले महीने कंपनी के ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA मीन्स होता है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट के रूप में वर्गीकृत करने के बाद बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवाला कार्यवाही शुरू की है। 4,814 करोड़ रुपए के ऋण पर हुई चूक के कारण इसको NPA टैग दिया गया है, यानी कि 4,814 करोड़ रुपए के ऋण पर हुई चूक के कारण इनको NPA यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल एसेट का टैग दिया गया है। 24 दिसंबर 2021 को केयर रेटिंग्स के रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पर बैंकों का 6,090.58 करोड़ रुपए बकाया है, इसलिए जो है अभी ये घाटे में अब उसको जो है लास्ट में उसको नीलाम कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। एयरटेल ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूर संचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया। एयरटेल, देखिए अब आप अपने देश में जो है 5G सेवा जो है स्टार्ट होने वाली है, शुरू होने वाली है, जिसके लिए एयरटेल ने 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो भारतीय एयरटेल ने हाल ही में संपन्न हुई 5G नीलामी में स्पेक्ट्रम के लिए दूर संचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके साथ ही एयरटेल ने 2022 के स्पेक्ट्रम बकाया के 4 साल का अग्रिम भुगतान कर दिया है। एयरटेल 2022 के स्पेक्ट्रम बकाया के 4 साल का पहले ही भुगतान कर दिया है। एयरटेल ने 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz और 3300 MHz और 26 GHz ब्रॉडबैंड में 19.68867 GHz स्पेक्ट्रम को चुना है। इस नीलामी में 43,084 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया गया है, जिसमें से जो है जो 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी हुआ है उसमें कुल खर्च किया गया है 43,084 करोड़ रुपए, जिसमें से एयरटेल ने 8,312.4 करोड़ रुपए खर्च करके अपना खरीदा है 5G स्पेक्ट्रम को, दूर संचार को भुगतान किया है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। आखिर ये निर्देश क्यों दिया गया है, देखते हैं। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ IAO, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, के कार्यों को संभालने के लिए 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश दिया है। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो IOA के कार्य को संभालने के लिए 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश दिया है, जिसमें अभिनव बिंद्रा होंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज होंगे और बोम्बा याला देवी होगी। तीन होंगे, जिसमें एक अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, बोम्बा याला देवी लैसराम होंगी। बोम्बा याला देवी लैसराम के सदस्यों को सहायता प्रदान करेंगे। आगे है कि, और इसमें देखिए तीन नाम है, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्बा याला देवी, और जिसको तीनों को जो है सहायता प्रदान कौन करेगा, तो तीनों को सहायता प्रदान करने का जिम्मेवारी जो है लैसराम को दिया गया है। लैसराम IOA को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये तो बहुत पहले से है। जो आगे है, देखिए ये स्टैटिक जीके है। पेरियार नदी के बारे में जाने, पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है पेरियार नदी को। पेरियार नदी केरला में है, जानते होंगे। पेरियार नदी दक्षिण केरल राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह नदी 140 मील लंबी है, 140 मील यानी कि 225 किलोमीटर लंबी है। पेरियार का उद्गम स्रोत जो है तमिलनाडु के सुंदरमाला शिवगिरी चोटिया है। जो शिवगिरी चोटी है तमिलनाडु के उद्गम, इसका जो पेरियार नदी का जो उद्गम स्रोत है तमिलनाडु में सुंदरमाला की शिवगिरी चोटिया है। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार झील, मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की बांध नदी के तट पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी है। केरल की जल विद्युत शक्ति इडुक्की बांध पर निर्भर है। केरला की जल विद्युत शक्ति जो है कहाँ पे है, तो इडुक्की बांध पे निर्भर है। आगे देखिए, रक्षा बल RBI और प्रधानमंत्री कार्यालय सबसे भरोसेमंद संस्थान है। देखिए, भारत देश का जो सबसे भरोसेमंद जो संस्थान है वो रक्षा बल है, दूसरा RBI है, तीसरा प्रधानमंत्री कार्यालय है, चौथा स्थान जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान आता है। जो जिसमें सबसे पहले स्थान आना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय का, उसका स्थान चौथा है, चौथे स्थान पर। उसके बाद जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI जो है पांचवें नंबर पे है। और रैंकिंग दिया गया है जिसमें सबसे ऊपर जो है रक्षा बल है। इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार जो है रक्षा बल, RBI और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के तीन सबसे भरोसेमंद जो है संस्थान है। रक्षा बल है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। रक्षा बल है, RBI है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, जो सबसे रैंकिंग में ऊपर में है रक्षा बल है। 4 नंबर पे है और सुप्रीम कोर्ट है। 5 नंबर पे जो आता है CBI आता है। तो ये रैंकिंग है, जितना भी अभी कार्यालय है भारत में उसका सबसे ऊपर रक्षा बल है। सर्वेक्षण इप्सोस इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं सहित 2950 वयस्कों का साक्षात्कार लिया गया। मतलब 2950 आदमी का जो है साक्षात्कार लेकर के और ये घोषित कर दिया गया कि सबसे ऊपर जो है रक्षा बल है, संस्थान है। चलिए आगे है, INS सतपुड़ा करेगा सैन डियोगो में 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन।
दोस्तों ये पहली बार होगा जब कोई भी INS जो है भारत का वो उत्तरी अमेरिका में गया हो, उत्तरी अमेरिका में और अमृत महोत्सव मना रहा हो, अमृत महोत्सव रन पे। देखते हैं आगे, INS सतपुड़ा 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए सैन डिएगो पहुंचने के बाद एक कीर्तिमान हासिल किया है और यह पहली बार है जब कोई भारतीय नौसेना युद्ध पोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। INS सतपुड़ा का सैन डिएगो US नेवी बेस पर आगमन एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई भारतीय नौसेना युद्ध पोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। ये पहली बार है जब कोई युद्ध पोत जो है अमेरिका में पहुंचा है, वो भी पश्चिमी तट पर उत्तरी अमेरिका के। महाराष्ट्र सरकार ने DA में 3% की वृद्धि की घोषणा की। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वहाँ के एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री है, भगत सिंह कोश्यारी जो है राज्यपाल हैं, उन्होंने क्या घोषणा की है, उन्होंने घोषणा किया है कि वहाँ पे सरकारी जो भी नौकरी है उसमें DA के 3% की वृद्धि होगी। इसे देखिए, पहले वहाँ पे 31% महंगाई भत्ता मिलता था, अब वहाँ पे महंगाई भत्ता जो है 34% हो जाएगा। लिए आगे चलते हैं, DG यात्रा शुरू करेगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। DG यात्रा शुरू करेगा, देखिए ये आपको एग्ज़ाम में आता है कि DG यात्रा शुरू करने वाला हवाई अड्डा, तो ये आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो हैदराबाद, यहाँ GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा DG यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के रूप में चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से यात्रियों का की डिजिटल प्रोसेसिंग शुरू करेगा, यानी कि डिजिटल प्रोसेसिंग जो है वो शुरू किया जाएगा। आगे यह 2019 में चेहरा पहचान प्रणाली का ट्रायल करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट था। अब ये 2019 में ही यह ट्रायल किया गया था यहाँ पे, इस एयरपोर्ट पे, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे, और अभी जो है इसको परिचालन, इसको इस काम को जो है स्टार्ट कर दिया गया है। DG यात्रा शुरू करेगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस में लॉन्च किया गया था। एक विशेष प्रकार का जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च किया था। आगे है, गंगा की सफाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। गंगा की सफाई के लिए PCS का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछता है कि गंगा की सफाई के लिए कितने 1,000 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए उद्देश्य से परियोजनाओं के 30,000 करोड़ रुपए की अधिक से अधिक मंजूर किए गए हैं। उनके अनुसार हमारे प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं का आलेख एक समान है। इस पैसे का उपयोग गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए किया जाएगा। देखिए, गंगा नदी की सफाई के लिए कितने 1,000 रुपये, 30,000 रुपये की मंजूरी दिया गया है, तो इसको याद रखना है। आगे है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है, जिसमें ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से पूछा जाएगा कि ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो है कौन सा डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है या कौन स्टार्ट किया है, तो ये भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF जो है स्टार्ट किया है, जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस पहल के हिस्से के रूप में यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ट्रेन मार्ग रक्षण, स्टेशनों पर दृश्य उपस्थिति, CCTV के माध्यम से निगरानी, सक्रिय अपराधियों पर निगरानी, अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, इस पर कार्रवाई करना। दोस्तों इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा,
आगे है कि SBI ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए शुरू की अपनी पहली समर्थित शाखा। ये SBI ने जो है पहली अपनी एकदम फुल्ली, एक तरह से कहिए कि स्टार्टअप को ही समर्थन करने के लिए शाखा को शुरू किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू किया है ताकि उन्हें सुविधा और समर्थन मिल सके। SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा द्वारा शुरू की गई शाखा कोरमंगला में स्थित है। SBI के जो अभी निर्देशक है, अध्यक्ष है, वो है दिनेश खारा। उसके द्वारा जो है ये कोरमंगला में स्थित है, कोरमंगला में जो है शुरू किया गया है, कर्नाटका के कोरमंगला में स्थित है। स्टार्टअप आपको पता होगा कि बेंगलुरु उसका जो है हब है, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है बेंगलुरु में है। नहीं, अभी जो है दूसरे नंबर पर आ गया है, पहले न्यू दिल्ली में है, फिर वह जो है बेंगलुरु है। ये शाखाएँ संपूर्ण स्टार्टअप परितंत्र की ज़रूरतों का समर्थन करेगी। आगे है केंद्र द्वारा राज किरण राय 5 साल के लिए NABFID के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। केंद्र द्वारा राज किरण राय ने राय को 5 साल के लिए NABFID के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये देखिए NABFID है क्या? केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बोर्ड ने लगभग 5 वर्षों के लिए राज किरण राय जी को अपना प्रबंध निर्देशक चुन लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने वीडियो को जो है देखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।